नमस्कार दोस्तों, आज मैं और एक बार आपके साथ फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जिनके साथ मैं जुड़ा हूं और मैं आपके साथ इस वक्त लाइव हूं। दोस्तों, आज हम एक बार और बात करेंगे मास्टरबेशन के बारे में। कल हम बात कर रहे थे मास्टरबेशन के बारे में, मिथ्स अबाउट मास्टरबेशन। आज हम बात करेंगे इज मास्टरबेशन गुड और बैड। दोस्तों, बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं, बहुत क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि साहब, आपने जो हमको कल बात बताई कि दैट मास्टरबेशन इज नॉट बैड एट ऑल फॉर अ पर्सन हु इज डूइंग इट, तो हमने तो जिंदगी भर यही सुना है कि अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपसे आपको बहुत हानि होगी, आपको परेशानी होगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। लेकिन कल जो चीज आपने बताई सर, तो बिल्कुल अलग है। दोस्तों, ये फैक्ट है, अगर आप मास्टरबेशन करते हैं उससे आपके हेल्थ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इट्स नॉट बैड एट ऑल। मेरा ये सोचना है और मेरा ये मानना है कि ये मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एंटी डिप्रेसेंट। व्हेन यू डू मास्टरबेशन, यू आर रिलैक्स्ड, योर मसल्स आर रिलैक्स्ड, द डोपामाइन एड्रेनाल लेवल इज इंक्रीज इन द बॉडी। आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। मास्टरबेशन जो ही आप करते हैं उसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपको कोई काम करने में दिल लगता है, क्योंकि फिर आपका दिमाग मास्टरबेशन की तरफ नहीं जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मास्टरबेशन के साथ एडिक्टेड नहीं है, अगर आप मास्टरबेशन ज्यादा नहीं करते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप पूरा दिन भर काम करते हैं। आप सवेरे उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, बॉस की चिक चिक, भाई साहब बॉस पूछेगा कि भाई आपका टारगेट नहीं हुआ, आपकी वेबसाइट में ये काम नहीं हुआ, आप ये काम नहीं करते, टाइम पे नहीं आते, आप लड़कियों के साथ क्यों बात करते हो दिन में। आपका बॉस देखता कि जो ही आप कोई वीडियो देखते हो तो पीछे से बॉस आपको कैमरा में देखता है और आपको टेंशन हो जाती है। आप प्रॉपर काम नहीं करते हैं तो बॉस आपको बुलाता है, भाई साहब व्हाट इज हैपनिंग, तो आप हर वक्त टेंशन में रहते हो। तो जो ही आप शाम को घर जाते हो तो थके हुए होते हो, आपका दिमाग खराब हो गया होता है, आपको लगता है कि मुझे रिलैक्स करना चाहिए। अगर आपके पास बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या करोगे, हाउ यू रिलैक्स? देयर इज द ओनली वन सिस्टम विच विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दिस डिप्रेशन। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो यू कैन डू मास्टरबेशन। दोस्तों, आप मास्टरबेशन करके देखिए, बहुत अच्छी है ये हेल्थ के लिए। आप जो ही मास्टरबेशन करेंगे आप रिलैक्स हो जाओगे, आपको नींद अच्छी आएगी, यू विल फील अ गुड फैक्टर, आपको एक अच्छा गुड फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि जो ही आप मास्टरबेशन करते हैं, इट इज इक्वलेंट टू सेक्स। जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसमें भी ऑर्गाज्म आता है और मास्टरबेशन में भी ऑर्गाज्म आता है। सेक्स में इजेकुलेशन होता है, मास्टरबेशन में भी इजेकुलेशन होता है। अगर आप इसको ढंग से करते हैं और हाइजीनिक वे से। दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइजीनिक वे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस बारे में किसी ने बात नहीं की होगी आज तक। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं और उसको आपने बड़े तरीके से करना है, हाइजीनिक वे से करना है, अगर लड़का है वो अगर हैंड प्रैक्टिस करता है, हाथ से करता, तो उसको सबसे पहले जाके हाथ साबुन से धोने हैं। सबसे पहले प्राइवेट पार्ट्स को हाथ साबुन से धोना है, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। अगर लड़की को सबसे ज्यादा ध्यान रखना, लड़कियों को बहुत ध्यान रखना, अगर वो मास्टरबेशन करते हैं, they should first wash their private part and they should wash their hands, क्योंकि
उंगलियों में, हाथों में बहुत गंद होता है, अगर आप उसको वॉश प्रॉपर नहीं करते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं. यू कैन हैव, यू कैन बी ए कैरियर ऑफ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज हो सकती है आपको. तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप मास्टरबेशन करते हैं, डू इट इन अ हाइजीनिक वे. अपना हाइजीन मेंटेन करना है. अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आपको कोई भी इंफेक्शन होगा नहीं. दूसरा, डोंट बी एडिक्टेड. मास्टरबेशन अगर आप करते हैं तो उसको दिन में खाली एक बार करें, उसको रिपीट ना करें. क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, या बच्चों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, यहां पर सब की बात मैं कर रहा हूं, एडल्ट्स, मेल्स, बहुत सारे मेल जो मैरिड हैं, जो शादी से तंग आ चुके हैं, जिनके रिलेशंस बढ़िया नहीं है अपने वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो भी मास्टरबेशन करते हैं. वो भी अपने आप को इंडल्ज करते हैं मास्टरबेशन में, बिकॉज दे फील गुड इन डूइंग मास्टरबेशन. लेकिन कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार. नो, दैट्स वेरी बैड. इट विल लीड टू द वीकनेस, इट विल लीड टू द प्रॉब्लम्स. और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने मास्टरबेशन अगर करना है तो बड़े आराम से करना. डोंट एग्जर्ट प्रेशर ऑन योर पेनिस और डोंट एग्जर्ट प्रेशर ऑन योर वजाइना. You can tear the walls of the vagina if you are inserting finger inside. You should do it very slowly. बड़े आराम से, कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है. लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप फिंगर को यूज कर सकते हैं. यू कैन जस्ट रब द क्लिटर, थोड़ी सी रबिंग करनी है बस. एग्जर्ट प्रेशर करने की कोई जरूरत नहीं है. सेम एम्प्लॉयज विद द गाइज. आपने अगर हाथ को यूज करना, उसको टाइट मत रखो, उसको रिलैक्स करके करो. क्योंकि अगर आप टाइट करेंगे, आपके मसल्स टियर हो सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लिगामेंटल ब्रेकेज हो सकता है पेनिस का. तो दोस्तों, देयर आर मेथड्स ऑफ डूइंग मास्टरबेशन. वंस अगेन, आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस दैट masturbation is not bad for health if you are doing it in a proper way. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं. मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है. मेरी वेबसाइट है, हिंदी वेबसाइट है, www.bestsexlawsinindia.com. www.bestsexlawsinindia.com. ये मेरी हिंदी की वेबसाइट है. आप वहां पर आ सकते हैं, उस पर लॉग इन कर सकते हैं और उस पर आप वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. मेरी एक और वेबसाइट है, bestsexlawsinindia.com. उस पर भी आप आ सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं. आप मेरे को मेल लिख सकते हैं, मेरे को फेसबुक पे कमेंट्स लिख सकते हैं. अगर आपको कोई इश्यू है, आप मेरे को डायरेक्ट बात कर सकते हैं. मेरा नंबर है 9136636692. 9136636692. 91 के बाद 92 आता, बीच में 3 बार 36 का आंकड़ा लगेगा, तो मेरा नंबर कंप्लीट 9136636692. आप मेरे को मेल लिख सकते हैं, आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप मेरे को डायरेक्ट मिल सकते हैं. दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद रैना हूं, मैं साकेत, दिल्ली में मेरा क्लिनिक है. आप मेरे से डायरेक्ट आ सकते हैं. दोस्तों, आज से हमने उन पेशेंट्स के लिए एक पैकेज बनाया है. अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी क्वेश्चन है और वो मेरे से पर्सनली मिल सकता है, तो अगर उसको मास्टरबेशन की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, इसके साथ कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसको कंसल्टेशन फ्री दी जाएगी. दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है. ही विल नॉट बी चार्ज्ड एन मनी. आप मेरे को आ सकते हैं, आप मेरा लिंक पे मेरा एड्रेस ले सकते हैं, आप वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई भी इशू है, आप मेरे से मिल लीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं. दोस्तों, आज के लिए इतना ही. अगली बार
हम एक और टॉपिक के लिए बात करेंगे। आप मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सेक्सुअल हेल्थ को बढ़िया बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।